आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में आने वाले अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। तो रायपुर मौसम विज्ञान की तरफ से ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें मौसम विभाग ने सभी जिलों में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर बारिश होगी तो कहां पर बादल छाया रहेगा, जानेंगे सभी जिलों के नाम आगे इसी वीडियो में। तो इसके पहले यदि आप चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करना और कमेंट कर जिलों के नाम हमें जरूर बताइए। तो बारिश वाले जिलों के नाम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आज तापमान जिले में कितना रहेगा। तो दिन में अधिक तापमान वाला क्षेत्र है मुंगेली, जहां पर 34 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगी। वहीं दिन में कम तापमान वाला क्षेत्र है बस्तर और नारायणपुर जिला, जहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगी। बाकी जिलों की बात करें तो बाकी जिलों में 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। इसी बीच बात करें रात में तापमान की तो मोस्टली सभी जिलों में 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रात में तापमान रहेंगी। अब बात करते हैं हवा की गति की, तो बता दें दोस्तों कि आज सभी जिलों में मोस्टली 9 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की अनुमान लगाया हुआ है। इसी बीच अब उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर आज मौसम साफ रहेगा, तो उनमें से जिलों के नाम है मानपुर मोहला, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गोरेला पिंडा मरवाही जिला, बलौदा बाजार, कवर्धा, बालोद, कोरिया, बलरामपुर जिला, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। इनके अलावा अब छिटपुट वर्षा वाले जिलों की बात करें तो उनमें से सक्ती, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगढ़, पिलाईगढ़, जसपुर, कोरबा, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन सभी क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा होने के आसार हैं। अब उन जिलों की बात करते हैं जहां पर मध्यम सी वर्षा होगी, तो रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बस्तर और कोंडागांव, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम सी वर्षा होगी। अब उन जिलों की बात करते हैं जहां पर हल्की फुल्की गरज चमक हो सकती है, तो नारायणपुर, कांकेर, रायपुर, धमतरी, बस्तर और कोंडागांव, इन सभी क्षेत्रों में हल्की फुल्की गरज चमक या फिर बिजली गिरने के आसार हैं। इनके अलावा भारी बारिश वाला जिलों की बात करें तो बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में भारी बारिश का अनुमान नहीं लगाया हुआ है।